संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबी देवी ने दिया बड़ा बयान, नकल कराने वालों पर होगी रासुका की कार्रवाई। संभल में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर परिवार, परिवार ने अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप। संभल में पथराव और फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, पुराने रंजिश के चलते जमकर हुआ पथराव। संभल में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की गई खुर्क, गोवंश मांस बेचकर की गई थी संपत्ति अर्जित। अंबेडकर नगर में 21 जोड़ों का समाज सेवी ने किया कन्यादान, समाज सेवी 1000 जोड़ों का कर चुके हैं कन्यादान। प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है, नकल कराने वाले जेल जाएंगे और उन पर रासुका की कार्रवाई भी होगी। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोग पुराने जमाने भूल जाएं, पिछली सरकारों में नकल होती थी, अगर किसी ने नकल कराने की कोशिश की तो जेल जाएगा, नकल कराने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बोर्ड एग्जाम को लेकर बच्चे तनाव मुक्त हैं, होली से पहले ही परीक्षा खत्म हो जाएगी। जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें हमारी पूरी तैयारी है और उसमें कहीं पर भी लोगों ने अपनी पुरानी आदतों का अगर प्रयोग करने का प्रयास किया, जो विगत सरकारों में एक इरादे से नकल की जाती थी, लोग नकल कराते थे, लेकिन उस तरह का अगर या प्रयास किया गया तो हल्की सी भी अगर कहीं पर भी हलचल होगी तो कोई व्यक्ति गलत करेगा तो जेल के अलावा उसके लिए पहला स्थान कोई और नहीं है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली जुड़ेंगे। मुबारक अली, देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा की तरफ से बड़ा बयान आया है कि अगर इस बार कोई नकल कराते या कराते पकड़ा गया तो उस पर रासुका की कार्यवाही की जाएगी। आपको जनता संबंध का पूरा मामला है और जो गुलाब देवी शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उसमें तो वो पकड़े गए तो उसके खिलाफ रासुका लगाई जाए, ऐसा पहले सरकारों में होता था पर में नहीं होगा। जो 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 नकल करते हुए पकड़ा गया उसके लिए रासुका लगाई जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुबारक। संभल में एक परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है तो वहीं पर परिवार पर स्थानीय प्रशासन पर साठगांठ कर मकान जमींदोज कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। पूरा मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के फड़ियाई बाजार स्थित एक मकान का है, जहां पर एक दिन पहले प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मकान को गिरा दिया था। इस मामले में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि वो अपने विधायकों के माध्यम से इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किसी भी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर नहीं चला। जब मुझे ये जानकारी हुई कि चंदौसी के अंदर प्रशासन के द्वारा जो कि एक परिवार 90 साल से लगभग यहाँ पर रह रहा था, उसको बिना कारण यानी बिना नोटिस दिए कि भी इनकी खता क्या है और उनके मकान को जमींदोज कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, तो ये सरकार हो या प्रशासन हो, ये भू माफियाओं से मिलकर के जिस तरह से ये काम किया है इन्होंने, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि इनका दुख बांटने के लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं और इस मामले को लेकर के हम लोग जो हमारे विधायक हैं उनसे हम लोग विधानसभा में, जब 20 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है। संभल में थाना असमोली क्षेत्र के मंसूरपुर के निवासी ने अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 13 लाख बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अभियुक्त ने गोवंश पशुओं का वध कर उनका मांस बेचकर अवैध संपत्ति को अर्जित किया था।
संभल में पथराव और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो वहीं पर इस दौरान फायरिंग के धमाके भी सुनाई दिए। पूरी घटना रजपुरा थाना के गांव शाहपुर की बताई जा रही है, जहां पुरानी रंजिश के चलते जमकर पथराव हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने महिला ग्राम पंचायत सहायक को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। वहीं इस घटना में पुलिस ने अब तक कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की है। रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र में विवाद में दो पक्षों में लाठी डंडे चले, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, तो वहीं पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। थाने में दी गई तहरीर में बताया गया कि दरवाजे के सामने कूड़ा करकट डालने को लेकर विरोध करने पर मारपीट की गई। मिली तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घायलों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। हमारे भैंसे को खूंटा हमारे दरवाजे गड़ा रहा है सुबेरे मैंने बुलाए के वही मेहरबान कर उठा के खुलवा डाइन है तो वही मैं बोला हूँ। किसने मारा? रहीस। और कौन था? रहीसू मुतकीम और क्या कहा थी लाल बा हफीज घर भर मेहरारू रही हैं पूरे गांव के रास्ते का भी बात। हाँ रास्ता जाने नहीं देते, क्या मामला है? क्या नाम है आपका? आसरूम। किस लिए हुई है लड़ाई झगड़ा? मरे मुहारे करकट फेंकी ने जहाँ बैठा ना उठना है। किसने फेंका है? हैतुन्निसा इसहाक। तो क्या हुआ था आगे? तो उसको हम टारा, जो हम टारा तो वह लाठी ले ले निखर पड़े। हाँ लाठी ले ले निखर पड़े ही तो हम मेहरारू भर दौरी है। ये भैया हमार सुबत नहीं है, जो भैया हमार उठे हैं तो वही लागे इनके मार दें। किस लिए हुआ है विवाद? सुबह भैंस बांध रहे थे और खूंटा उचानने गए तो माता जी बोले हम तो सोए थे, उसके बाद सब लाठी ले ले आ गए। जब लाठी ले ले आ कौन कौन लाठी लेके आया था? रहीस के लड़का मुस्तकीम फैज अपने, उसके बाद मेहररूए फिर गांव के लोग आ गए। फिर हम जब तक उठे उठक में माता जी को मार दिए, फिर हम फिर पा गए लाठी हम भी मारना शुरू। रायबरेली में गांव से बाहर बने एक घर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर किसी तरह आग पर काबू पाया, तो वहीं इस हादसे में लाखों की क्षति हुई। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के गांव नजनपुर का है। हरदोई के सीतापुर जिले में अपने परिवार के साथ जा रहे डॉक्टर की गाड़ी का टायर फट गया, जिसके चलते गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और हादसे का शिकार हो गई, तो वहीं गाड़ी में सवार युवक की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। पूरा मामला टेडियावा थाने के करणपुर जिगनिया मजरा का है। पुलिस ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है। हमारा नाम जीवा है, करणपुर के रहने वाले हैं, मिश्रिक में रहते हैं। मिश्रिक से टेडियावा आए थे अपनी क्लिनिक पे, वहाँ से जा रहे थे मिश्रिक, बीच में ये हादसा हो गया। कितने लोग थे? 5 लोग। हरदोई में हो रही चोरियों पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित होती दिख रही है। ताजा मामला मल्लावा क्षेत्र का है, जहां अज्ञात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगे डीवीआर सहित लाखों का सामान चोरी कर लिया, तो वहीं पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि लगभग 9.5 लाख रुपए का सामान चोरी किया गया है। इससे पहले भी क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा करने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। इस संबंध में जब कोतवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। अंबेडकर नगर में समाज सेवी धर्मवीर बग्गा ने हर साल की तरह इस साल भी 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया। बता दें कि समाज सेवी अब तक 1000 से ज्यादा जोड़ों का कन्यादान कर चुके हैं। बता दें कि समाज सेवी धर्मवीर बग्गा सामूहिक विवाह में लड़की पक्ष की तरफ से माँ बाप की भूमिका निभाते हैं और लड़की पक्ष की तरफ से लड़के को उपहार भी दिया जाता है।
20वां वर्ष है। 20वां सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम ईश्वर की कृपा आप सबके आशीर्वाद से आज ये संपन्न हो रहा है। 1000 से ज़्यादा शादियाँ हो चुकी हैं। आप सारे लोग इकट्ठे होकर इस कन्यादान में इस हवन में शामिल होते हैं। ये बहुत प्रभु की कृपा है कि आप सभी लोग हम सब के साथ खड़े होते हैं और इतने बड़े हवन में एक साथ आहुति देते हैं। इसके पीछे सीधे सीधे एक मंशा है, कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध सामाजिक बुराई को रोकने के लिए ये कार्यक्रम आज तक किया जाता रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो नारा हम लोगों ने शुरू किया था कि आपकी बेटी हमारी बेटी, वो नारा हरदोई के साहाबाद कोतवाली में एंगवा गांव में चोरों के आने की खबर से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानन में लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और शोर शराबा करने लगे। इसी बीच लोगों ने फायरिंग करना भी शुरू कर दिया। वहीं फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना शाहबाद में एक गाँव है, उसमें मध्यरात्रि के पश्चात जैसा ज्ञात हुआ है, कुछ चोरों की आहट पे फायरिंग की गई है, जिसमें एक गांव का ही शब्बील नामक व्यक्ति, इसके कंधे पे चोट लगी है, गोली लगी है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा गांव के ही कुछ लोगों पर शक जाहिर किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और तहरीर प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।